न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने काशीपुर के बीचों बीच स्थित पोस्ट ऑफिस से रतन सिनेमा रोड होते हुए गोविंद बल्लभ पंत कॉलेज मार्केट से मुख्य बाजार नगर निगम के सामने स्थित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल में मोहल्ला थाना साविक निवासी जावेद अख्तर ने एक याचिका 122/18 दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उक्त भूमि कब्रिस्तान और तकिया में राजस्व अभिलेखों में सन 1960 से 61 तक दर्ज रही तथा भूमि पर कब्रिस्तान मौजूद रहा, लेकिन बंदोबस्ती के बाद इस भूमि को राजस्व अभिलेखों में निजी व्यक्तियों व संस्थानों के नाम दर्ज दिखा दिया गया है, जिसके बाद से इस पर अन्य लोगों का कब्जा चला आ रहा है। ये श्री जावेद अख्तर जी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा 23/10/2018 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया था। आदेश के क्रम में माननीय कलेक्ट्रेट महोदय से जो है पत्र प्राप्त हुआ था और इस संबंध में चूँकि भूमि के संबंध में जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसके लिए पारित किया गया। तो क्या ऑर्डर किस तरीके के पारित हुए हैं और क्या अभी इस जो कब्जेदारी है उनको बेदखल करने का काम किया जा रहा है? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जैसा मुझे आदेश हुआ वैसे कार्रवाई जो है हम लोग करी जाएगी। इसका याचिका में क्या दर्शाया गया था? जो दस्तावेज है दस्तावेजों के अनुसार ये दिखाया जा रहा है कि इसका पूर्व में जो है तकिए एवं कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है इस भूमि पर, वर्तमान में जो है वो नाम दर्ज नहीं है। हम जैसे इसमें रिकॉर्ड के अनुसार जो स्थिति होगी उस हिसाब से इनके बाद दायर किए जाएंगे। थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितनी भूमि है ये सब और कितने इस टाइम इसमें लोग जवाब? मेरे द्वारा पत्र केवल अभी मौके की जो है वास्तविक स्थिति के लिए लिखा गया, क्योंकि वास्तविक स्थिति जो है उससे स्थिति साफ हो पाएगी कि वर्तमान में इस भूमि पर क्या क्या बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनी है, क्या क्या इसमें इंगित है, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। 22/2018 जावेद अख्तर बनाम सरकार, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में मैं जिलाधिकारी कार्यालय से पत्रीय जिला हमारे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उनको एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसके पूर्व में जाँचें हुई थी। उसके क्रम में यहाँ पर आज पेमेंट का कार्य किया शुरू में 1321 फसली से बंदोबस्ती के समय से क्षेत्र महेशपुरा की भूमि नॉन जेडी की जो भूमि है कब्रिस्तान के नाम पे चल रही थी। हमारे जो राजस्व अभिलेख है कब्रिस्तान के रूप में दर्ज अभिलेख है और 1368 फसली के पश्चात इंडिविजुअल्स के नेम उसमें आए हुए हैं। इसी के क्रम में आज एक टीम बनाकर राजस्व विभाग वहाँ पर नपत का काम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा नपत के साथ साथ क्या जो इस टाइम वर्तमान में कब्जेदारी हैं उनको कोई नोटिस प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी जिससे कि? हाँ, विधिक जो हमारी जो ड्यू प्रोसेस लॉ जो भी है उसमें उसके अंतर्गत अगर कुछ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन अगर वहाँ पर आ जाता है अनाधिकृत कर तो उसके कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही वाद दायर करते हुए कार्रवाई की।